नमस्कार साथियों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज 11 एकादशी की पूजा करने जा रही हूं और 11 एकादशी की पूजा का मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी, पूरी तैयारी भी दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले माला बनाकर रख लेती हूं और पूरे 1 से लेकर 24 एकादशी के नाम भी बताऊँगी और पूरे वीडियो में थोड़ा सा मैं महत्व भी बताऊँगी कि एकादशी का हमें व्रत क्यों करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ऋतु फल सीताफल दिखा रही हूँ। तो जो लोग पूरे साल भर एकादशी नहीं रहते, तो पूरे जगह 11 एकादशी की अगर पूजा कर लेते हैं तो वही महत्व हमको मिल जाता है, इसलिए 11 एकादशी की हमको पूजा कर लेनी चाहिए। तो मैं सीताफल दिखा दी और यहाँ पर चंदन बंदन चावल और बेलपत्री आंवला ये सब चीज़ ऋतुफल रहते हैं तो चढ़ाते हैं। और मैं यहाँ पर दिया लगाकर भी रख लूँगी, क्योंकि पूजा के जस्ट बाद हमको आरती भी करनी होती है, तो आरती के दिए के साथ में हमको कुछ एक्स्ट्रा दिया भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी हम छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। तो हमारी दिया की बत्ती इस तरह से लेनी चाहिए। और मैं ये दिखा रही हूँ कि कुछ लोग गेरू से बनाते हैं, कुछ लोग चूने के पानी से बनाते हैं, तो मैं चूने के पानी में हल्दी डालकर बना रही हूँ और ये पूरे थाली में सजा ली हूँ, जिसमें ऋतु फल, नारियल, फल फूल, शंख, मीठा और सेव फल, बिही, ये सभी प्रकार से मैं आप लोगों को सामग्री दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या एकत्रित की हूँ पूजा की तैयारी की। तो इस तरह से हमसे जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी शक्ति के अनुसार लोग करते हैं। तो ये मेरी तैयारी है, इसमें भटे, मूली, चने की भाजी, आंवला, बेर ये सभी चढ़ाए जाते हैं। ये हमारा गंगा जल है, गंगा जल भी हम लोटे में रख लिए हैं और लाई बतासे भी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दीपावली की पूजा के बाद से लाई बतासे तो सभी चढ़ाते चढ़ाते हैं, पर इसमें भी लाई बतासे और हम अलग अलग प्रकार के मीठा लाए हैं। लास्ट एकादशी की पूजा कहलाती है, तो सभी प्रकार के हम मीठा चढ़ा रहे हैं, नारियल, धूप, बत्ती, श्रृंगार का सामान। और मैं अब सबसे पहले खुद तैयार हो गई हूँ और सबसे पहले मैं महावर लगाऊंगी, तो महावर लगाना भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो महावर लगाने के पहले सबसे पहले हल्दी लें हाथ में, थोड़ा सा सिर में लगाएं और पैर में हल्दी लगाएं, फिर इसके बाद में महावर लगाएं। और ये देखिए, महावर लगाने के लिए मैं ये कान कोड़ने वाली जो लकड़ी है उसका यूज कर रही हूँ, इससे कितनी जल्दी जल्दी हो पा रहा है हमारा महावर लगाना। अगर हम उंगली से लगाते हैं महावर तो उंगली हमारी कलर हो जाती है, फिर कुछ चीज़ हम उठाते हैं तो कलर कलर छोड़ती है, इसलिए ये देखिए कितना सरल है और जल्दी भी हो पाता है। हम इसमें अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम महावर लगाना आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और महावर लगाने के बाद हम पूजा की तैयारी तो कर लिए हैं, फिर इसके बाद में हम पूरी पूजा भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों फर्श में हम पोछा तो लगा लेते हैं सुबह शाम, पर जब पूजा करते हैं तो फिर से हमको साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से चलते फिरते रहते हैं तो हमारी पैर की धूल रहती है, इसलिए साफ़ कर लेना चाहिए। तो हम पटा भी साफ़ कर लिए हैं, ज़मीन भी साफ़ कर लिए हैं, पटा में लाल कपड़ा बिछा लिए हैं और माता जी के चरण बना रहे हैं। कुछ लोग अपने देवी देवता बनाते हैं, सब जगह की अलग अलग पूजा होती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि माता जी के चरण जहाँ पर हम एकादशी की पूजा करते हैं बाहर गन्ने की, वहाँ से लेकर के माता जी के स्थान तक हम चरण बनाते हैं। ये देखिए, हम पूरे स्थान तक चरण बना दिए हैं। हमारा कान्हा जी का मंदिर है यहाँ पर, जुगल सरकार लगी है। अब हम गन्ना लेकर आ जाते हैं और गन्ना लगा लेंगे और हम इसके बाद पूजा करेंगे। मैं पूजा की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं गन्ना लगाती हूँ। गन्ना लगाने के बाद सीधे मैं पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं चरण बनाकर और माला बनाकर
और महावर लगाकर पूरी तैयारी शुरू से मैं आप लोगों को दिखाई हूँ और यहाँ पर मैं अब पूजा कर रही हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले हम जमीन को शुद्ध कर लेंगे और सभी जगह पटा में भी शुद्ध कर लेंगे और तुलसी मैया को अब हम विराजमान कर देते हैं। तुलसी मैया को हम यहाँ पर विराजमान कर देते हैं। कलश दल बनाएंगे यहाँ पर और कलश की हम यहाँ पर स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के बाद अब हमारी पूजा चालू हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को महत्व बता रही हूँ एकादशी का। एक समय नैमी शरणाय में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 एकादशियां अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियां मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अतः है आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो पहली है उत्पन्ना, दूसरी है मोक्षदा, तीसरी है सफला, चौथी है पुत्रदा, पांचवी है षष्ठतिला, छठवीं है जया, सातवीं है विजया, आठवीं है आम्लिकी, नौवीं है पापमोचनी, दसवीं है कामदा, ग्यारहवीं है बरूथनी, बारहवीं है मोहिनी, तेरहवीं है अपरा, चौदहवीं है निर्जला, पंद्रहवीं है योगिनी, सोलहवीं है देवसायनी, सत्रहवीं है कामिका, अठारहवीं है पुत्रदा, उन्नीसवीं अजा, बीसवीं परिवर्तनी, इक्कीसवीं है इंद्रा, बाईसवीं है पापा कुसा, तेईसवीं है रमा, चौबीसवीं बोधिनी या देवाथिनी तथा अधिक मास की दोनों एकादशियों के क्रमानुसार नाम पद्मिनी और परमा, इस प्रकार से 26वीं। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्दापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। हे ऋषियों, जो पूर्ण चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान में होता है तथा जो पूर्ण अन्न जल भूमि स्वर्णा कन्यादान गो तथा अश्वमेघादि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पूर्ण तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पूर्ण एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है और श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाने, एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन धान पुत्रादि और कीर्ति को बढ़ाने वाले यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पवित्र पावनी अंत है। हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम है। तो एकादशी व्रत तो हम सुन लिए दोस्तों और नाम भी जान लिए। तो आज की पूजा 11 एकादशी के नाम से जानी जाती है और एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और गन्ना की पूजा के नाम से भी जानी जाती है और तुलसी विवाह के नाम से भी जानी जाती है। तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान निद्रा से जागे थे और सबसे पहले तुलसी माता ने पूजा की थी, तो इस प्रकार से जानी जाती है। और आज के दिन
तुलसी माता और शालिक राम की भी विवाह योग्य रहता है और इनका विवाह होता है। इस प्रकार से लोग धूमधाम से मनाया जाता है तुलसी माता और शालिक राम की शादी का। तो इस तरह से हम पूरी पूजा आप लोगों को दिखा दी हैं दोस्तों, और सभी को हम फल फूल भी चढ़ा दिए, माला भी चढ़ा दिए, और हमारी पूजा लगभग कंप्लीट हो गई है। और हम आरती भी आप लोगों को सुना देते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख दाता वर दाता, जय तुलसी माता। सब युगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुर बल्ली है त्रम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तरे जाता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म भी जन में आई देव भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम्हें अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, जय 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 तुलसी माता। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम वीडियो, तो आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।